एवं कत्वतु प्रत्यय। अब हम करेंगे कत और कत्वतु प्रत्यय का अध्ययन। किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए अर्थात भूतकाल के अर्थ में कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रत्यय जो है हमारे भूतकाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या है, कब हमें कत प्रत्यय प्रयोग करना है और कब हमें कत्वतु प्रयोग करना है, इसका अध्ययन हम इस प्रकार से करेंगे। कत प्रत्यय धातु से भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है और इसका त शेष रह जाता है। कत प्रत्यय सिर्फ हमें भाववाच्य वाच्य और कर्मवाच्य में ही इसका प्रयोग करना है। भाववाच्य जिसमें कर्म नहीं होता है और कर्मवाच्य जिसमें कर्म के हिसाब से क्रिया होती है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कत्वत प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है तथा त्वत शेष रह जाता है। जब कत्वत प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता के हिसाब से क्रिया हो जाती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कत और कत्वतु के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कत प्रत्यय के रूप पुलिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में अ लगाकर और रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। और कत्वतु प्रत्यय में रूप जो है इसके पुलिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में ई जोड़कर नदी के समान तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। इस प्रकार से हम कत्वतु और कत प्रत्यय का अंतर समझेंगे। कत प्रत्यय के कुछ उदाहरण है, उनका अध्ययन करेंगे। धातु अर्थ और धातु और प्रत्यय, उसका बना हुआ रूप और उसका अर्थ। गम जाना, गम के साथ अगर हम कत प्रत्यय लगा देते हैं तो गत हो जाता गया, याद ना, गया था। पठ पढ़ना, लेकिन पठ के साथ कत प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता पठित, पढ़ा हुआ। आ प्लस गम आना, आ और गम और कत प्रत्यय लगे आगत हो आया। दृश्य देखना, दृश्य प्लस कत दृष्ट हो देखा। आ प्लस दिश आदेश देना, आ प्लस दिश प्लस कत आदिष्ट हो आदेश दिया गया। उप प्लस दिश उपदेश देना, उप प्लस दिश प्लस कत उपदिष्ट हो उपदेश दिया गया। क्री का अर्थ होता है करना, लेकिन जब उसके साथ कत प्रत्यय लग जाता है तो बन जाता है कृत हो किया। हन मारना, हन प्लस कत हत हो मारा गया। अभी हम कत्वतु प्रत्यय का देखेंगे उदाहरण कुछ, कि कत्वतु प्रत्यय में किस प्रकार से प्रयोग होगा। परि प्लस त्यज त्यागना, परि प्लस त्यज के साथ कत्वतु प्रत्यय लगा, परित्यज कत्वान त्याग दिया। पठ पढ़ना, पठ प्लस कत्वतु पठितवान। गम जाना और गम के साथ कत्वतु का प्रयोग हुआ गतवान गया। हन मारना, हन कत्वतु हतवान मारा गया या मारा। दृश्य देखना और दृश्य में कत्वतु लग गया दृष्टवान देखा। पा पीना, पा और कत्वतु प्रयोग हुआ तो पीतवान पिया। क्री करना, क्री के साथ कत्वतु हुआ कृतवान किया गया या किया। नी ले जाना, नी कत्वतु नितवान ले गया। आ प्लस नी, आ नी के साथ आ उपसर्ग आया तो नी का मतलब तो ले जाना, लेकिन जब उपसर्ग हुआ तो उसका अर्थ जो है वो चेंज हो गया लाना। आ प्लस नी प्लस कत्व आ नितवान लाया गया। आ प्लस दिश आदेश देना, उसके साथ कत्वतु का प्रयोग किया गया तो आदिष्टवान आदेश दिया गया। अभी हम करेंगे क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है और शानज प्रत्यय क्या होता है। क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल में रहा रहे अर्थ का बोध कराने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग, जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो तभी क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय सदैव हमेशा
प्रश्नपदी धातुओं क्रिया शब्दों से जुड़ते हैं। क्षत्रि के श और त्रि री का लोप होकर अत रह जाता है। क्षत्रि प्रत्यय अंत में शब्दों के तीनों रूप चलते हैं। यह क्षत्रि प्रत्यय से बने कुछ क्रिया पदों का संग्रह पुलिंग में दिया जा रहा है। छात्र इन्हें समझे और कंठ अग्रह का अर्थ होता है याद करना। प्रश्नपदी धातु, क्योंकि क्षत्रि प्रत्यय में प्रश्नपदी धातु का प्रयोग किया जाता है। धातु का अर्थ, धातु और प्रत्यय क्षत्रि से बने हुए कैसे रूप चलते हैं और अंकार। अस होना, कोई काम होना, जब क्षत्रि प्रत्यय लग गया तो उसको आ गया सन, होता हुआ। ईश इच्छा करना, इच प्लस क्षत्रिय इच्छन, इच्छा करता हुआ। क्री करना, क्री प्लस क्षत्रिय कुर्वन, करता हुआ। क्रुद्ध क्रोध करना, क्रुद्ध क्षत्रिय क्रुध्यन, क्रोध करता हुआ। गम जाना, गच्छ प्लस क्षत्रिय गच्छन, जाता हुआ। गन गिनना, गण्य प्लस क्षत्रिय गण्यन, गिनता हुआ। चुर चुराना, चोरिय प्लस क्षत्रिय चोरियन, चुराता हुआ। चल चलना, क्षत्रिय प्रत्यय लगा इसमें तो क्या हो गया, चल का चलन, चलता हुआ। जी जय जीतना, जय कैसा क्षत्रिय हो गया, जयन जीतता हुआ। दा देना, दाश प्लस क्षत्रिय ददन, देता हुआ।